हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब से सारे गमा पा में संजना भट्ट ने अपने बच्चे को लेके ऑडिशन दिया था, तब से दोस्तों संजना भट्ट वायरल हो चुकी है और उनका बहुत नाम है दोस्तों सारे गमा पा में, क्योंकि सारे गमा पा में उनकी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, उनकी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनकम के बारे में। दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहना, मैं सब बातों पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि इन दिनों संजना भट्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनकी मधुर आवाज़ जो है सारे गमा पापे चारों तरफ छाए हुए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं इस बीच बताना चाहूँ, संजना काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई करा है। गरीबी के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकी और उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा दोस्तों। लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने अपने पति से अपने संगीत के बारे में, करियर के बारे में कहा, तो उनके पति ने उन्हें कहा कि आप आगे बढ़िए और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सारेगामा पा का ऑडिशन चुना और उसमें उन्होंने ऑडिशन भी दिया दोस्तों। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सिलेक्ट भी हो गई और उनके दो बच्चे हैं, तृप्ति और देवांशी। पति का नाम दोस्तों देवेंद्र है। जब मैं बात करूंगा कि दोस्तों उनकी सैलरी के बारे में, सैलरी दोस्तों संजना भट्ट के ऐसा माना जाता है कि संजना भट्ट की सैलरी 20,000 है और जब से वो सारेगामा पा में आई है तो उनकी सैलरी 20,000 से बढ़ के 2,00,000 हुई है। जहाँ दोस्तों बात करें उनकी नेटवर्थ की, नेटवर्थ दोस्तों उनका 22,00,000 है और उनका एक घर है जो 20,00,000 की आंकी गई है दोस्तों। संजना के पास दोस्तों एक कार भी है जो कि पुरानी है और वो नैनो कार है। इससे आप समझ सकते हैं कि संजना की माली हालात कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हो सकता आने वाले दिनों में बहुत खास हो जाए। वो सेकेंड हैंड कार उन्होंने 1,00,000 से लिया था। घर में 14 सदस्य हैं दोस्तों। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए।